जय हिंद। भारत की मुख्य भूमि से दूरी पर स्थित हिमालय का वह हिस्सा जो जलमग्न हो गया था, अब भारत सरकार ने वहां तक भी अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पहुंचा दिया है, जिससे कि 4G और 5G को वहां पहुंचाने में काफ़ी सहूलियत होगी। देखिए, जो हिमालय पर्वत है उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये हिमालय वाला हिस्सा है, लेकिन इस हिमालय का हिस्सा कुछ नीचे इधर पूर्वी भाग में चला जाता है म्यांमार के पास में, दूसरे आराकाम योमा पर्वत होते हैं, लेकिन इसके आगे ये समुद्र में डूब जाता है, ये इसे जलमग्न भाग कहते हैं, ये हिमालय की जो चोटियां हैं। और ये जलमग्न भाग धंसने के बाद फिर जाके जहां पर ये दृष्टिगोचर होता है, जहां ये निकलता है, वो यहां पर निकलता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस अंडमान निकोबार पर जापानियों का अधिकार हो गया था, लेकिन जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार गिफ्ट में दिया था, उसका नाम इन्होंने शहीद एवं स्वराज नाम रखा था। अंग्रेज जब थे तो वो यहां पर काला पानी की सजा देते थे। उत्तराखंड में काला पानी एक जगह है, उसको हम डिटेल वीडियो बना के बता चुके हैं, वो मई महीने में ही बता दिए थे, लेकिन ये काला पानी दूसरा है। यहां पर अंग्रेजों को अंग्रेज जो सजा सुनाते थे, सेलुलर जेल, इस तरह से जेल थी, वो किला बना दिया था जेल को, उस समय की सबसे बदनाम जेल थी ये सेलुलर जेल। सावरकर को जब इस जेल में रखा गया था तो कोयले से इस दीवार पर, इस जेल की दीवारों पर कोयले से भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास लिख दिया था, ये क्वेश्चन भी आता है। ये सेलुलर जेल काफी उस समय का बदनाम जेल था, यातनाएं को देने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आतंकवादी घोषित करके यहां भेज दिया जाता था कि भैया ये देशद्रोही है, जबकि वो तो आजादी की मांग कर रहे थे। तो ये हमारे जो मेन भूमि है उससे ये कट गया है। तो ये ज्यादातर लोगों को लगता है, बहुत से लोग, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग जब सुने थे कि ये अंडमान निकोबार हम ही लोग का है तो बड़ा आश्चर्य हुआ था, ये भी हम ही लोग का है, तो ये यहां से यहां कैसे है भाई, ये हमारा अधिकार है यहां पर भी, ये लक्षद्वीप भी है यहां पर। तो अंडमान निकोबार में कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहां से चेन्नई से लेकर यहां तक में ऑप्टिकल केबल बिछा दिए गए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार में समुद्र के नीचे से केबल बिछाया गया है, वो वायर को बिछाए गए हैं, ये लगभग 2300 किलोमीटर है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर के हो जाने के वजह से जो मेन लैंड से यहाँ हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन जो स्पीड है वो इस ऑप्टिकल फाइबर की मदद से यहाँ तक जा सकती है, डायरेक्ट वहाँ टावर के थ्रू उतना स्पीड नहीं जा पाता है। अब यहाँ से अब सिंपली समझिए कि 4G जो होता है उसका मैक्सिमम स्पीड आप 300 MB/s ले जा सकते हैं, और वहीं अगर आप 5G की बात करेंगे तो 5G जो है तो मैक्सिमम 10 MBPS जा सकता है, यानी 10 GB के डाटा पर सेकंड आपका मोबाइल अगर 5G है तो ले सकता है, एकदम हाई स्पीड में ले सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि मान लीजिए आप यहीं से सप्लाई दीजिएगा 10 MB का, तो वहां थोड़ी ना जाएगा 10 MB या 10 GB, 100% कोई भी चीज नहीं पहुंच पाता है, बीच में उसका कई सारे जो डाटा होते हैं वो लॉस करते हैं, स्पीड भी लॉस हो जाती है, तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी यहां पहुंचाना पड़ेगा, इसीलिए इतना वायर को बिछाया गया। अब इसको बिछाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च आए, वो पैसे कहां से आए, इस पैसे को लाया गया था AGR के द्वारा। AGR किसे कहते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है कि जितने भी टेलीकॉम कंपनी है जैसे रिलायंस, टाटा डोकोमो, इंडिकॉम, आइडिया, वोडाफोन, जो भी है, इनको गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब आप अपना जो टोटल आप साल भर का व्यापार करते हैं, जो भी इनकम करते हैं, उसका आपको 5% हमको AGR के रूप में देना पड़ेगा। इसको कलेक्ट करने का काम करती है यूनिवर्सल सर्विस लेवी, ये एक तरह का टैक्स है जो AGR को लेती है 5%। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आप सुने होंगे कि दो कंपनियों का AGR डिस्प्यूट बहुत भयानक पहुंचा था, एक वोडाफोन का था, एक एयरटेल का था। वोडाफोन का तो भाई पिछला हिसाब क्या था, ये तो हच को खरीदे थे। एयरटेल ने तो ये तक कह दिया था कि अगर AGR जो है हमारा जो बाकी हुआ डिस्प्यूट है, अगर ये नहीं हुआ तो हमें टेलीकॉम कंपनी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग का तो कमर तोड़ दिया जियो आके, लास्ट आया लेकिन इतना फास्ट आया कि सबको सुला दिया। तो खैर ये एक अलग मैटर है AGR, लेकिन इन्हीं लोग के AGR जो था, इतनी कंपनियां थी, आप सोचिए ना, रिलायंस जियो के करोड़ों कस्टमर है, उनसे 5-5% भी लीजिएगा AGR के रूप में, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ये अमाउंट को BSNL को दिया गया और BSNL इस केबल को बिछाई है। तो आत्मनिर्भर भारत इसीलिए कहा जा रहा है कि BSNL ने इतना बड़ा काम कर दिया, जबकि ग्लोबल 10 कंपनियां, चाइना, अमेरिका की जो कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की MNC कंपनियां हैं, वो इसके दौड़ में आगे थी, BSNL ने खुद इसको बिछा दिया। देखिए ऑप्टिकल फाइबर होता क्या, जिसे हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं, और इसको बिछाने की क्या क्या चुनौतियां होती हैं, आप बचपन में इस तरह का मेला में, दशहरा में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बड़ा मिलता रहता था, नीचे से लाइट जल रही ऊपर चमकेगा, ये क्या होता है, यही होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कुछ नहीं होता है, एक मतलब शीशे की, पहले तो शीशे की आती थी, अब तो इसको प्लास्टिक का ही बना दिया गया, तो उसमें क्या है, खाली खोखला जगह होता है इस तरह का, देखिए एक खाली पाइप होता है, इसी को कहते हैं प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या होता है, अगर आप लाइट को दीजिएगा तो उस साइड चला जाएगा, जैसे हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च की लाइट जाती है तो बिखर के कुछ दूर बाद खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको एक पाइप के द्वारा भेजेंगे टॉर्च की लाइट को, तो उस पाइप के रास्ते से वो एनर्जी का लॉस नहीं करेगी और टकरा के आगे पहुंच जाएगी। इस आप रेड वाले हिस्सा में
देखिएगा, ये जो रेड लाइट निकल रही है ये यहाँ पे आ रही है, इसके बाद टकरा के यहाँ चली जा रही है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ क्रिटिकल एंगल जो होना चाहिए इसका ना, क्रिटिकल एंगल से इसके वैल्यू को थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या चीज होते हैं, ये फिजिक्स का टॉपिक होता है। और एक चीज और चीज होना चाहिए कि यहाँ से ये एनर्जी सोर्स बाहर ना निकले, वरना यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको बाहर निकलने से रोक देते हैं तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ टकरा के यहाँ टकराएगा, यहाँ ऐसे ऐसे घूमते रह जाएगा। अब आपको डिपेंड करता है कि इसको कितना लंबा इस पाइप को आप रखते हैं, इस शीशे के पाइप को। लेकिन शीशे के पाइप को काफी लंबा रखना काफी मुश्किल था, तो इसका काम किया नरेंद्र सिंह कपानी, भारतीय मूल के वैज्ञानिक। इन्होंने एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर बनाया जो फ्लेक्सिबल था, उसको कहीं भी मोड़ सकते थे और उसमें लाइट जलाइएगा ना तो लाइट उस पर निकल जाती थी। इसके बाद धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा जो डाटा था, जो जैसे मान लीजिए आप हमें वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो देख रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, इसी के थ्रू क्यों ना हम लोग डाटा के माध्यम से ट्रांसमिट कर दें। जैसे आप मोबाइल से बात करते हैं तो आपके पास जो आता है रेडिएशन, वो भी तो एक लाइट फॉर्म में ही आता है, एक रेज के फॉर्म में आता है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि हमको क्या है कि यहाँ से अगर हम लेयर लगा देंगे तो हमारा डाटा लीक नहीं करेगा और स्पीड भी बहुत तगड़ा रहेगा। तो इसलिए एक ये सूचना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई, ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर ही रहेगा तो ही आपका नेट तेज चल पाएगा। हम भी जो ऐप को लॉन्च करने में इतना लेट हो गया वो इसीलिए कि क्योंकि हम लॉकडाउन में थोड़ा सा घर पे आए हुए थे, तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नहीं था। अब ये ऑप्टिकल फाइबर लग गया इसलिए इस महीने आपका ऐप आ जाएगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर किसी भी डाटा को काफी तेजी से ट्रांसमिट करता है। इस ऑप्टिकल फाइबर को समुद्र में बिछाना काफी मुश्किल था। मुश्किल ये था कि समुद्र में बिछा दीजिएगा ठीक है, इसमें मछली के दांते से बकोट लेगी तो टूट जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत था। इसलिए इस और एक और चीज था कि आप इसको जमीन के रास्ते भी ले जा सकते हैं। आपके शहरों में देखे होंगे ऐसे पाइपलाइन बिछाया जाता होगा ऑप्टिकल फाइबर का। अब मान लीजिए इसमें मिट्टी डालें, दाबे, बारिश से सड़ गया, भीग गया तो टूट जाएगा, सारा डाटा आगे जा ही नहीं पाएगी, सप्लाई रुक जाएगी। तो इसके लिए इसको हम लोग 8 लेयर की सिक्योरिटी देते हैं। टोटली ऑप्टिकल लेयर पर फाइबर पर 8 लेयर की सिक्योरिटी दी जाती है। कैसे? सबसे बाहर जो होता है वो पॉलीमर की सिक्योरिटी दे दी जाती है, वाटरप्रूफ लेयर लगा देते हैं, उसके अंदर एक स्टील लगाते हैं, फिर एक वाटरप्रूफ लेयर लगाते हैं, फिर स्टील के ये रॉड लगा दिए जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग वाटरप्रूफ लेयर लगाते हैं, केमिकल लेयर, कई तो टोटल 8 लेयर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लेयर लगाते हुए एक ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, यहाँ से अलग, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से 8 लेयर। अब मेन यही पर है आपका ऑप्टिकल फाइबर, इसको सेफ्टी देने के लिए इतना मोटा लेयर लगा दिया गया। अब आप बताइए इसको कौन काटेगा? ये स्टील को तो कोई काट नहीं पाएगा। मान लीजिए कि ये ऊपर वाला लेयर घिस गया घिसावट से, तब स्टील नहीं ना घिसेगा, उसके अंदर फिर एक लेयर लगाया, फिर स्टील है, फिर ये केमिकल का लेयर, पेट्रोलियम का लेयर, इस तरह से करके बहुत ज़्यादा लेयर है। और अंदर से हम इस मामूली ऑप्टिकल फाइबर को लाते हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर्स के लाने से यही फायदा होता है कि आप ने जो भी वीडियो वीडियो को रिकॉर्ड किया नेट के माध्यम से जैसे अपलोड करेंगे वो आपका नेट क्या करता है, इसी ऑप्टिकल फाइबर हम जो भी वीडियो बनाते हैं इसको तो पूरी दुनिया में कैसे फैला दिया जाता है कोई भी चीज को, इसी ऑप्टिकल फाइबर की वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको बिछाया जा चुका है। समुद्र में इन ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने के लिए एक बहुत बड़े शिप आते हैं। इन शिप में नीचे मैंने ये ऑप्टिकल फाइबर इस राउंड करके लपेटे गए रहते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये रहते हैं, और इनको ना यहां से इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से नीचे ले जाया जाता है। अब इनको नीचे कैसे ले जाया जाता है, तो शिप से देखिए यहां पर ऐसे गिरा दिया जाता है। इसमें ये जो गोल गोल देख रहे हैं ये इसमें इसलिए मार्किंग किया गया है कि ये डूबेगा नहीं तो पता चलेगा कि किसके किस एरिया के ऊपर ये बिछाया जा रहा है। अब यहां से नीचे गिरा दीजिएगा और एक मशीन होती है जो यहां से ड्रॉप कर दिया जाती है, येलो कलर की मशीन देख रहे हैं। ये मशीन क्या करती है, मिट्टी को इसे बकोट लेती है, तो आगे से इसे मिट्टी को बकोट लेगी और पीछे से वायर को बिछाते हुए आ जाएगी और लेवलिंग करके बराबर कर देगा। तो समुद्र के नीचे गया और बिछा दिया गया और ऊपर से लहरें चलेंगी तो वो भी एक तरह से बराबर कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि टूट फूट नहीं होता है, कभी कभी बड़ी बड़ी मछलियां आती हैं, घुस जाती हैं तो तरवे काट देती है सर, या फिर कुछ और भी दिक्कत हो सकता है समुद्र के नीचे, भूकंप, ज्वालामुखी, बहुत सी चीजें आती रहती हैं, सुनामी वगैरह। तो खैर सुनामी तो ऊपर में झटका रहता है नीचे नहीं, तो उसको लिए भी रिपेयर करने का काम आता है। रिपेयरिंग करने के लिए भी सेम प्रोसेस होता है। एक नाव रहती है वो नीचे से हुक फंसाती है, पता चल जाता है कहां से सिग्नल लीक कर रहा है, हुक फंसाती है और उसको हुक में से ऊपर ले आके खींच लेती है। और इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए ये तार इतना पतला है और इधर भी तार इतना पतला है और बीच में ज्वाइंट करना है। उस ज्वाइंट को करने के बाद इतना मोटा उस पर सिक्योरिटी दिया जाता है ज्वाइंट को लॉक करने के लिए। ये जो ऑप्टिकल फाइबर की जो ज्वाइंट होती है, इस ज्वाइंट को जोड़ने के लिए एक ऐसा नहीं है कि बिजली का तार की तरह जोड़ दीजिए, बस ऐंट दीजिएगा इसे तो जाएगा ही नहीं, तो इसको एक अलग विधि द्वारा जोड़ा जाता है। लेकिन हाँ, समुद्र में भी इसकी रिपेयरिंग की जाती है, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में ये समुद्र के माध्यम से ही ये डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है। बढ़िया बात यह है कि अभी तक भारत इसमें भाग नहीं लिया था, विदेशी कंपनियों को बुलाता था कि आप हमारे यहाँ केबल
कंबल बिछा दीजिए, इस बार BSNL नहीं, इसको बिछा के एक काफी अच्छा आत्मनिर्भर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अंडमान निकोबार तक हम ये ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा देने से वहां 4G और 5G को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अंडमान निकोबार काफी सुंदर एरिया है, वहां प्राकृतिक दृश्य इतने बढ़िया रहते हैं कि भारत के टूरिस्ट को यहां पर काफी अच्छे से ले जाया जा सकता है। लेकिन भारत के ही टूरिस्ट लोग स्विट्जरलैंड चल जाते हैं घूमने, सिंगापुर घूमने चल जाते हैं, उनको यहां आने की फैसिलिटीज नहीं है। और दूसरी क्या है कि यहां पर अगर आ भी जाते हैं, कभी मान लीजिए उन्हें वीडियो कॉल करना हो गया, वीडियो बनाना हुआ, या कोई मान लीजिए हम ही चले गए अंडमान निकोबार घूमने, हम सोचते हैं कि मान लीजिए वहां एक हफ्ता रहेंगे तो वहां पर एक दो वीडियो बना दे, तो नेटवर्क ही नहीं अच्छा था। अब इतना बढ़िया नेटवर्क हो गया वहां पर भी, अब वहां से भी कोई भी चीज नहीं रुक सकता है, टेली कम्युनिकेशन हो सकता है, टेली मेडिसिन हो सकता है। और हमारी जो वहां पर तीनों सेना रहती है, आपको पता है थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेना, तो उन्हें भी डाटा पहुंचाना है, तो जो अनसिक्योर डाटा है वो तो यहां से आराम से हम लोग पहुंचा सकते हैं या उसमें एक सिक्योर लाइन भी भेज सकते हैं। इससे काफी मदद मिलेगा खास करके अंडमान निकोबार के लोगों को कि जो भारत से एकदम कनेक्ट, एक तरह से बिछड़ चुके थे, एक तरह से उनकी कनेक्टिविटी टूट गई थी। गवर्नमेंट जो है ना 5G को लाने का एकदम बढ़िया से प्लान बना लिया है और बहुत ही सोच समझ के गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे एक बार में ना करके जो 5G के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगने हैं, 5G तो केवल स्पीड दे देगा। अब मान लीजिए हम तगड़ा इंजन ले आ दिए कि बुलेट ट्रेन का स्पीड लेके चला है जापान से बुलेट ट्रेन, अब पटरी नहीं है उसको चलाने के लिए, तो कहां चलाइएगा, खेत में नहीं ना दौड़ाइएगा। तो गवर्नमेंट धीरे 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 बड़ा अच्छा से काम कर रही है कि जैसे जैसे पैसा आ रहा है इन्वेस्ट करते जाओ, एक ही बार धीरे धीरे आराम से हम लोग 5G को लॉन्च कर सकते हैं। इससे कि हमको हुवावे पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हमारी खुद की कंपनियां इसमें आगे बढ़ सकती है, जिसे BSNL ने साबित करके दिखाया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।